नमस्कार। आज का हमारा वीडियो अपडेट है मुजफ्फरपुर भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस में। इस वीडियो में हम बताएंगे आखिर जब यह स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तो स्टेशन पर अफरा तफरी क्यों मची। भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस यात्रियों को गुरुवार को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन 2:05 के बजाय 2:22 बजे 17 मिनट लेट से खुली। दरअसल 12:45 बजे भागलपुर रेलवे स्टेशन की इंक्वायरी से अनाउंस किया गया कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जनसेवा एक्सप्रेस खड़ी है। इसकी 8 बोगी में यात्री न बैठे इसे काटकर यार्ड में ले जाया जाएगा। यह उद्घोषणा करीब 1:15 बजे तक होती रही और 1:30 बजे ट्रेन की 12 में से 8 बोगी को काटकर यार्ड की ओर ले जाया गया। लाइनमैन ने बताया कि आगे से 5वीं बोगी के चक्कर में खराबी आ गई थी। कोई हादसा न हो इसलिए चक्के को अलग कर दिया गया और यार्ड में इस बोगी को बदल कर वापस इसे लाकर ट्रेन में जोड़ा जाएगा। 8 बोगियों को काट कर जब यार्ड ले जाने लगे लोग तब ट्रेन में बैठे पैसेंजर उल्टी दिशा में ट्रेन को जाते देख अपने सामान के साथ प्लेटफॉर्म पर कूदने लगे। इस दौरान कई यात्री बाल बाल बचे इधर यार्ड से जाकर क्षतिग्रस्त डब्बे को बदल गया। इसमें एक नई बोगी को जोड़कर वापस 8 डब्बे को ट्रेन से जोड़ा गया। बता दें कि यार्ड में कई बोगियां कई यात्री बैठे रहे जबकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह गलत है। मुजफ्फरपुर से आने के बाद स्टेशन पर खड़ी रही ट्रेन। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि सुबह जब जनसेवा एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से भागलपुर आई इस दौरान यार्ड में जगह नहीं रहने से ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही खड़ा रखा गया। ट्रेन की जाँच के बाद कर्मचारियों ने बताया कि बोगी के चक्के में खराबी आ गई थी। एहतियातन बरतने के बाद यह ठीक किया गया। इस कारण ट्रेन 17 मिनट लेट खुली। यात्रियों में अफवाह की 4 बोगी लेकर चलेगी ट्रेन। ट्रेन ने अनाउंसमेंट के बाद स्टेशन पर खड़े सैकड़ों यात्रियों में इस बात की अफवाह फैल गई कि ट्रेन 4 बोगी को लेकर मुजफ्फरपुर जाएगी क्योंकि अनाउंसमेंट में इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि 8 बोगी को यार्ड से ले जाने के बाद ठीक कर वापस लाया जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।